जी अस्सलाम वालेकुम। आज की गाइस जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। आज की जो वीडियोज़ है उसकी जो मेन बनाने की रीज़न ये है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए किस तरह से अपनी ही औलाद को सिर्फ तवज्जो ना देने की वजह से अब जो पेरेंट्स हैं वो कितना कुछ कमा रहे हैं। लाइक माँ बाप को लगता है कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, ये अपनी लाइन पर लगा हुआ है, लेकिन इन दी एंड वो बच्चे आपके लिए क्या कह रहे हैं? आपको क्या पता कि आप जिस कॉलेज में जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ पर कर क्या रहे हैं, वो कितना गुना कमा के घर आ रहे हैं? दुनियावी लाइफ तो आप उसकी बना ही रहे हैं लेकिन जो वो कर रहा है उसका माँ बाप पे भी जा रहा है, क्योंकि माँ बाप ने टाइम पे अपनी बात को जो तरबियत देनी चाहिए थी वो नहीं दी, जो कि बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेजेस में इतना कॉमन है आजकल, ये मेरी दोस्त है और माँ बाप भी ऐसे हैं कि वो अच्छा हाँ ठीक है जी, इसकी कोई क्लास फेलो है या ये इनका ग्रुप है, ये आपस में मिलकर स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मजहबी लिहाज से देखा जाए वो बच्चा जो गुनाह कमा रहा है उसका माँ बाप को भी गुनाह जा रहा है, पर वो इसी वजह से जा रहा है, वो बेटी है या बेटा है वो इसी वजह से जा रहा है क्योंकि माँ बाप उसको मना नहीं कर पा रहे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि अपनी औलाद को बैठा के उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि जो बेटा आप ये कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ कुरान पाक में फरमा दी है कि ये दुनिया सिर्फ धोखा है, सोए धोखे की, ये कुछ नहीं, तो आप इस दुनिया में कितना अर्सा रहने आए हो पहले आप अपने आप से पूछें। जितने भी बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ नहीं रही इस दुनिया में तो ऑब्वियसली सब ने एक ना एक दिन जाना, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है और जो आपने इस दुनिया में किया है उसका आपको हिसाब देना है। और आपने सिर्फ अपना हिसाब नहीं देना कि मैंने क्या किया और मैंने कैसे किया, आपने अपने सराउंडिंग का भी आपने ही हिसाब देना है, आपकी औलाद का, आपके नेबर्स का, आपके रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, वो आपसे पूछा जाएगा क्योंकि वो सब चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं, आपसे रिलेटेड जो चीज़ है अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे। और सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने 25 या 20 जो उसकी वर्ड्स है जो सूरह है उसमें अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं, आप अल्लाह ताला बता रहे हैं इंसान को कि तुम्हारी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे के लिए आजमाइश है। मीन्स आप जिस जगह पर रहते हो, जिस फैमिली में रहते हो, आपके पेरेंट्स, आपकी औलाद, सब आपके लिए आजमाइश है। और आजमाइश इस तरह से है कि आप उनको ट्रीट कैसे करते हो, आप उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो। जैसे नबी से सुनने फरमाया कि दुनिया में जो इंसान को दो बड़ी आजमाइशों से जो आजमाया जाएगा, दो बड़ी चीज़ों से, वो एक माल है और दूसरा औलाद है। माल है, वेल्थ है या नहीं है तब भी आपकी आजमाइश हो रही है, औलाद है या औलाद नहीं है तब भी आपकी आजमाइश हो रही है। औलाद क्या कह रही है? औलाद नेक काम कह रही है, बाप सोया हुआ भी होगा, अगर बेटा नमाज पढ़ रहा तो बाप को सौंप जा रहा है, और अगर बाप सोया हुआ भी है और बेटा लड़की के साथ डेट पे जा रहा तो उसको गुनाह मिलेगा, सेम एज माँ बाप दोनों के ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो औलाद उनकी कस्टडी से कस्टडी में थी। और आप ये देखो कि बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप करता है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उसको समझाएं, उसको उसकी एज के मुताबिक उसकी तरबियत करें, जो उसकी एज है उसके मुताबिक उसको बताया जाए कि इस एज में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको बताना, फिर उसको वो चीज़ें बताई जाए। बच्चा जब बालिग हो जाता है, बालिग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शादी के काबिल हो गया, इस्लाम में बालिग का मतलब ये है कि आप उसको वो चीज़ें बताओ जो अब वो इन फ्यूचर करेगा, क्योंकि वो बालिग हो चुका है। और ये बहुत कॉमन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ढकी छुपी सी बात है कि ओहो ये मैंने क्या कह दिया, अपने माँ बाप के लिए खुद ही दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो काम ये कर रहे हैं हम लोग इसका कितना बड़ा गुनाह है। आज के टॉपिक का मकसद ही ये है कि जो बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं वो
वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि आप जो भी कर रहे हो उसके गुनाह माँ बाप को भी जा रहे हो।